हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुक सर अनलिमिटेड स्टडी जोन तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व इनफाइनाइट लिमिट्स मतलब लिमिट के पोर्शन का ये टॉपिक्स कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की जाती है चलिए देखते हैं लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उन पर हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं देखिए यदि आपके पास क्वेश्चन आता है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी और क्वेश्चन में है वन अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन प्लस टू अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर ओके प्लस डॉट 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 अप टू एन अपॉन एन माइनस एन स्क्वायर ये एन टर्म्स तक चल रहा है वन माइनस एन स्क्वायर ये चल रही है लिमिट और आप, आपको इसको सॉल्व करना है ओके okay? आपको इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए पहले पूरी मेथड में आपको बताता हूँ फिर उसके बाद में आपको आ, इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा कैसे करेंगे लिमिट मतलब शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा ओके okay, तो देखिए इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करूं ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है चाहे वो मतलब इस टाइप का हो ये, मतलब ऊपर आपके पास में कांस्टेंट टर्म हो और नीचे एन एन स्क्वायर हो एन क्यूब हो ये पावर्स में दिख रहे हैं तो इसकी आप ट्रिक नोट कर लीजिए इसकी जो ट्रिक होती है इसकी जो ट्रिक होती है दिस इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ़ पावर्स ऑफ एन एन की पावर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एन की हाईएस्ट पावर एन की हाईएस्ट पावर ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा तो निगेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ पावर ऑफ एन अब देखिए एन की जो हाईस्ट पावर कितनी है टू है और लोएस्ट पावर कितनी है वन है यहाँ से देखिए टू है ना हाइएस्ट पावर कितनी है टू है और यहाँ पर पावर कितनी है वन है तो हाइएस्ट पावर और लोएस्ट पावर का डिफरेंस कितना आ गया टू माइनस वन और एन की जो हाईस्ट पावर है यहाँ पर कितनी चल रही है टू चल रही है तो इसका आंसर कितना आएगा टू माइनस वन देट इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ठीक है तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन पहले इसको पहले एक और ट्रिक देख लेते हैं फिर उसके बाद मैं दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा एक और ट्रिक देखता हूँ अगर आपके पास में क्वेश्चन दे दिया जाए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ओके और क्वेश्चन है वन अपॉन एन क्यू प्लस वन प्लस वन अपॉन एन क्यू प्लस टू प्लस फोर अपॉन एन क्यू प्लस वन प्लस नाइन अपॉन एन क्यू प्लस वन इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन एन क्यू प्लस वन ये एक आपके सामने स्ट्रक्चर दे दिया गया है लिमिट का आपको इन्फाइन लिमिट फाइंड करनी है तो देख लीजिए ऊपर में एन स्क्वायर हाइएस्ट पावर बच रही है और यहाँ पे एन क्यू प्लस वन कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है मतलब अपनी ट्रिक इस तरीके के क्वेश्चन के लिए वैलिड होती है तो इसका जो आंसर आएगा मैंने आपको क्या बताया था डिफरेंस ऑफ द पावर तो देखिए ऊपर निगेटिव लगा करके डिफरेंस ऑफ द पावर पावर कितनी है लेकिन अपने पास में एक मिनट आ, पावर आपके पास में कितनी है तो पावर आपके पास में है कितनी थ्री है और यहाँ पे कितना है टू है ओके थ्री और टू हो गई है और अपॉन में डिफरेंस में देखिए अपने पास में कितना है यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है थ्री तो आंसर इसका कितना आएगा माइनस वन बाई थ्री थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ माइनस वन बाई थ्री और वन बाई थ्री को लेके मैं कंफ्यूज हूँ ओके सो आई होप आंसर इसका माइनस वन बाई थ्री या वन बाई थ्री आता है चलिए इसको पूरा सल्यूशन कर लेते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ए, क्या ट्रिक एकदम वैलिड है या नहीं है तो पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन उसमें सोल सॉल्व करके देखते हैं कि ये ट्रिक हमारी वैलिड है या नहीं है तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर प्लस टू अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर प्लस अप टू अपू वन अपॉन वन माइनस सॉरी एन अपॉन वन माइनस एन स्क्वायर तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट इसमें कोई दिक्कत है नहीं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर सबको सम कर दीजिए तो एन इन टू एन माइनस एन इन टू एन प्लस वन बाई टू होता है ना एन इन टू एन प्लस वन बाई टू और नीचे कितना हो जाएगा वन माइनस एन का स्क्वायर ठीक है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ठीक है ओके okay. और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने के बाद में इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन और नीचे वन बाई टू को आप एक काम करो बाहर ले लो ओके वन बाई टू को आपने बाहर ले लिया और यहाँ पर कितना बच गया अपने पास में यहाँ बच गया वन माइनस एन स्क्वायर ठीक है अब आप एक काम करिए वन अ टू तो है ही आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो कितना बन गया वन प्लस वन बाई एन और यहाँ पे भी एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा देखिए वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस का वन बच जाएगा ठीक है ना बिल्कुल सही है वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस का वन सो so यहाँ पर अगर आप वैल्यू एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल कर दिए हैं और अगर आप अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए कितना आएगा वन अपॉन टू ये हो गया वन प्लस जीरो और यहाँ पे कितना आएगा जीरो माइनस वन तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है माइनस वन बाई टू तो जो हमने फार्मूला ये सॉल्व किया इसको मैंने डायरेक्टली देखिए आपको ट्रिक से बताया था कि माइनस ऑफ डिफरेंस ऑफ द पावर ऑफ एन ओके डिफरेंस ऑफ पावर ऑफ़ एन तो आपके पास जो पावर की डिफरेंस आ रही है वो कितनी आ रही है एक पावर है अपने पास में टू है हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर कितना है वन है तो दोनों का डिफरेंस आया कितना तो इस तरीके से माइनस वन बाई टू इसका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है तो ये ट्रिक एकदम यहाँ पे वैलिड हो रही है चलिए अगला क्वेश्चन भी जो है मैं इसको ट्रिक से करके दिखाता हूँ कि अगला जो क्वेश्चन है क्या इसमें ए, ट्रिक वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है है ना चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट और वन अपॉन एन क्यू प्लस वन प्लस यहाँ पे कितना है फोर अपॉन एन क्यू प्लस वन प्लस नाइन अपॉन एन क्यूब प्लस वन और इस तरीके से चलते 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 चलते, चलते यहाँ पे है एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस वन ठीक है अच्छी बात है तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन से लेकर के एन स्क्वायर तक का सम हो जाएगा और एन क्यूब प्लस वन पूरे के एल सी एम में आ जाएगा तो एन इन टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई कितना हो गया सिक्स हो चुका है ना डिवाइड बाई कितना हो चुका है सिक्स हो चुका है एन इन टू एन प्लस वन ओहो एक्चुअली यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर प्लस वन है इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है प्लस वन है पिछले बार माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस जनरेट हो गया बट यहाँ पे पावर प्लस वन है इसलिए माइनस जनरेट नहीं होगा तो थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज़ करिए आपको डिफरेंस जो है आपको ये लेना है ओके डिफरेंस आपको किसका लेना है पावर्स का डिफरेंस लेना है तो आ, Highest पावर माइनस लोएस्ट पावर तो highest पावर यहाँ पर है? 3 है power कितनी है प्लस थ्री है और लोएस्ट पावर आपकी कितनी है प्लस टू है और यहाँ पर जो थ्री माइनस टू आंसर कितना है वन बाई थ्री आएगा ओके तो चलिए पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए एन क्यू प्लस वन और मल्टीप्लाई बाई सिक्स तो चलो ये आ चुका है अब ऊपर आप एक काम करिए ऊपर तीनों से एन कॉमन लिखा लीजिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनी एन आपने कॉमन निकाल लिया एन पहले वाले से तो एन तो है ये वन बच गया दूसरे से एन कॉमन निकाला तो वन प्लस वन बाई एन बच गया तीसरे से भी एन कॉमन निकाला तो कितना बच गया अपने पास में टू प्लस वन बाई एन ओके और नीचे यहाँ से एन क्यूब कॉमन ले लीजिए कितना बच गया वन प्लस वन बाई एन का होल क्यूब मल्टीप्लाई भी कितना सिक्स है एन क्यूब से ये ये और ये कैंसिल हो जाएगा देखिए आंसर कितना आ रहा है आपके पास में वन आ, वन इंटू वन इंटू टू मतलब टू अपॉन में कितना हो जाएगा सिक्स दैट इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री तो आंसर इसका कितना आ रहा है वन बाई थ्री और ट्रिक से भी हमारा आंसर आया था बट एक चीज़ और हमें याद रखनी पड़ेगी कि अगर माइनस में है क्वेश्चन तो माइनस वाले क्वेश्चंस का आंसर जो है नेगेटिव में आएगा और यदि प्लस वाले क्वेश्चंस हैं डिनोमिनेटर में तो प्लस वाले का आंसर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा बस ये थोड़ा सा हमारा ट्रिक में यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा है ना कि निगेटिव वाले अगर पावरस हैं निगेटिव वाले टर्म्स हैं तो आपको माइनस साइन यूज़ करना पड़ेगा और अगर पॉजिटिव वाले हैं तो आपको केवल किसका यूज करना पड़ेगा प्लस साइन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया डन ओके okay. इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग द लिमिट इनफाइनाइट लिमिट यूज़ करके यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके ऐसे हमें सॉल्व करना है तो काफ़ी समय बचाएगी शॉर्ट ट्रिक बड़ी अच्छी ट्रिक है ये चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा मेथड से फिर उसके बाद मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्वेश्चन है वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस थ्री ओके प्लस अप टू अप टू अप टू अप टू कितना है वन अपॉन टू एन लिखा है तो आप समझ रहे हैं कि टू एन क्यों लिखा है क्योंकि ये एन प्लस एन रहा होगा ओके okay? तो टू एन कितना रहा होगा एन प्लस एन तो मैं देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो है इसको लिखा जा सकता है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनीटी और ये समेशन लग रहा है इसके ऊपर सिग्मा कितना है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के आर इक्वल्स टू एंड तक और यहाँ पे चल रहा है वन अपॉन एन प्लस आर ओके यहाँ वन अपॉन एन प्लस आर ठीक है तो ये सिग्मा की फॉर्म में हमारे पास क्या बन चुकी है लिमिट बन चुकी है सिग्मा की फॉर्म में एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है अब आप एक काम करिए आप अंदर से एन कॉमन ले लेते हैं देखिए एन कांस्टेंट है क्योंकि बदल कौन रहा आर बदल रहा है तो एन तो आपके पास में कांस्टेंट है क्योंकि एन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ से एन कॉमन ले, ले लेंगे तो कितना आ जाएगा वन बाई आ जाएगा वन बाई अगर आपने एन कॉमन ले लिया तो वन बाई आ गया ठीक है आप ये चाहते तो काम ऊपर भी कर सकते थे ऊपर से आपको ज़्यादा ये सिंपल दिखाई देता अगर आप एन का डिवाइड दे देते तो आपको ये काम ऊपर ज़्यादा सिंपल दिखाई देता था एनी anyway, वे मैंने यहाँ पे कर दिया कोई बात नहीं तो वन अपॉन एन आपने कॉमन ले लिया आर इक्वल्स टू वन से लेकर के कहाँ तक एन तक है ये एक्सप्रेशन बन जाएगी एन कॉमन लेने के बाद वन प्लस आर बाई एन ठीक है अब देखिए ये इंटीग्रल लिमिट बन जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी और इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन एन किस में कन्वर्ट हो जाता है डी में आर बाई एन किस में कन्वर्ट हो जाता है एक्स में तो और बाकी क्या बन जाता है समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में तो समेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स और यहाँ पे क्या बन गया डी बन गया लिमिट चेंज करिए क्योंकि हमने आर बाई एन को देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा आर बाई एन को हमने क्या मान लिया है एक्स मान लिया है तो जिस समय आर इक्वल्स टू वन है तो एन इन्फिनिटी जाएगा तो कितना हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनीटी इक्वल टू जीरो और जिस समय आर इक्वल टू एन है तो कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा तो आंसर देखिए कितना हो गया ये हो गया लॉग ऑफ वन प्लस एक्स और लिमिट कितनी चली जाएगी जीरो से लेके वन तो लिमिट पुट कर दीजिए लॉग वन प्लस वन कितना हो गया लॉग ऑफ टू और माइनस लॉग ऑफ वन तो लॉग वन कितना होता है जीरो तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ गया लॉग ऑफ टू तो ये इसका पूरा मेथड था इसको सॉल्व करने का इन इनफाइनाइट लिमिट के इंटीग्रल कंसेप्ट को यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे अब देखिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है ओके तो इसकी शॉर्ट ट्रिक नोट कर लें ओके okay. क्वेश्चन का पैटर्न देखिए किस तरीके के रहेगा? का रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा कुछ इस तरीके का कि लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट ऊपर आपके पास एन का कोई टर्म नहीं होना चाहिए ऊपर यदि मतलब कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में एन का कोई टर्म प्रेजेंट ना हो एन का कोई टर्म ना हो ओके okay? तो ऐसी ट्रिक लग सकती है एन का कोई टर्म ना हो तो आपके पास में आंसर जो बनेगा पहले क्वेश्चन देख लो इस टाइप का जैसे ये देखा था आपने वन अपऑन एन प्लस वन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन ठीक है ना सॉरी गलत कर दिया मैंने क्वेश्चन ये नहीं था वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस थ्री प्लस अप टू अपू अप टू वन अपॉन कितना है एन प्लस एन ये बन रहा है तो ऊपर देख रहे हैं आप एन का कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसकी जो ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी इसकी ट्रिक बनेगी देखिए वन अपॉन एन प्लस एन को क्या लिखा था पन्ने टू एन लिखा था है ना तो इसकी जो ट्रिक बनेगी ट्रिक इज़ इक्वल्स टू रहेगा लॉग ऑफ है ना लॉग ऑफ एन का अंतिम गुणांक एन का लास्ट कोफिशियंट एन का लास्ट कोफिशियंट तो यहाँ पे एन का लास्ट कोपिशियन क्या है टू है तो ये ट्रिक बन जाएगी डायरेक्टली क्या बन जाएगी आंसर बन जाएगा log टू कितना बन जाएगा लॉग टू चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी ट्रिक पर बेस्ड है ना एक और क्वेश्चन इसको ट्रिक से करते हैं हम जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट ओके वन अपॉन एन वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस अप टू अप अप टू टू अप टू वन अपॉन एन प्लस थ्री एन हो गया देखिए यहाँ पे यहाँ पे कितना दे दिया गया थ्री एन ऐड कर दिया गया मतलब कि ऐड करते 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 हम कहाँ तक पहुँच गए थ्री एन तक अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा आर वगैरह लेना पड़ेगा बनाना पड़ेगा आप डायरेक्टली आंसर देखो ऊपर एन नहीं है तो आंसर हो जाएगा डायरेक्टली लॉग एन का लास्ट कोफिशेंट क्या है थ्री है तो आंसर इसका बन जाएगा लॉग थ्री बिना कुछ सॉल्व करे विद इन सेकेंड आपका इसका आंसर आ चुका है कितना लॉक थ्री तो ऐसी ट्रिक्स आपको बार बार याद कर लेनी चाहिए ठीक है ना चलिए अगली ट्रिक की ओर चलता हूँ मैं अगली ट्रिक बड़ी जबरदस्त है देखिए अगली ट्रिक तो बहुत ही काम की है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन्वॉल्व करती है तो अगली ट्रिक क्या है अगली ट्रिक का क्वेश्चन देखो क्वेश्चन से मैं ट्रिक को एक्सप्लेन कर पाऊंगा अगर आपके पास है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी आपके पास ट्रिक ट्रिक है वन स्क्वायर एक्स ओके प्लस आपके पास है टू स्क्वायर एक्स फिर आपके पास है ऐसे प्लस है थ्री स्क्वायर एक्स और ऐसे करते 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 हैं आपके पास में कितनी है एन स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या है एन का क्यूब डिवाइड बाई क्या है एन का क्यूब ठीक है ना तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आप लास्ट वाले टर्म को पकड़ो ओके okay? लास्ट वाले टर्म में जो एन स्क्वायर है तो सिग्मा एन स्क्वायर का कोफ़िशेंट देखो मतलब इस वाले टर्म में एन स्क्वायर का कोफिशियंट तो इसके हिसाब से आंसर आएगा आंसर इक्वल्स टू एन स्क्वायर का कोफिशियंट किस में सिगमा एन स्क्वायर में सिग्मा एन स्क्वायर में तो अगर आप सिग्मा एन स्क्वायर लिखते हैं तो सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है सिग्मा एन स्क्वायर होता है एन इन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन सॉरी सिग्मा एन स्क्वायर कितना होता है एन इन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई कितना सिक्स होता है ठीक है ना तो एन सिग्मा एन स्क्वायर में आपके पास में जो कोफिशियंट हुआ करता है है ना ये कितना हुआ करता है देखो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे आपके पास में वन बाई सिक्स निकलेगा कितना निकलेगा वन बाई सिक्स तो ओके मैं एक तरीके से आपको ये बताऊं कि सीधे आपको देखना है कि डिनोमिनेटर क्या होता है सीधे डिनोमिनेटर क्या होता है तो एन तो जो डिनोमिनेटर आएगा वही आपका आंसर बनेगा विद मल्टीपल ऑफ एक्स तो आंसर इसका कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा एक्स बाई सिक्स इसका आंसर आएगा एक्स बाई सिक्स तो प्रैक्टिस की चीज़ है कोई रूल उल को छोड़ दो इसमें रूल उल गया गोली मारो रूल को कोई मतलब नहीं है सीधे आप देखो कि एन स्क्वायर में जो बनता है वो कोफ़िशेंट क्या बनता है अपॉन में कितना आता है सिक्स आता है तो इसका आंसर कितना आएगा वन बाई एक्स बाई सिक्स आएगा अब चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर बैठेगी एक क्वेश्चन में लेता हूँ देखिए लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीज़र एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री एक्स है प्लस अप टू अप टू अप टू अप टू ग्रेटेस्ट इंटीज़र एन एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है एन एक्स है देखो एन को पकड़ो अब एन मतलब सिग्मा एन एन मतलब क्या सिग्मा एन से रिलेट होगा और यहाँ पे कौन आएगा यहाँ पे एन स्क्वायर आ गया यहाँ पे कौन आ गया एन स्क्वायर हमें केवल इससे मतलब है कि सिग्मा एन में क्या बनेगा अपॉन में तो सिग्मा एन क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू होता है तो टू को पकड़ लिया और एक्स की पावर कितनी है वन तो आंसर कितना आएगा आपके पास आंसर आएगा एक्स बाई टू इसका आंसर कितना आएगा x बाई टू और रही बात मेथड की तो मेथड तो एक बहुत बड़ा इसका तरीके से जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा x बाई टू सो ये रही हमारी आज की ट्रिक थैंक यू सो मच